नमस्कार, हम है रवि और रउआ देखतनी मैच बॉक्स। आ मैरवा के प्रखंड परिसर बाटे। आ मौका ई बा कि 30 दिसंबर के मैरवा के जौन प्रमुख और उप्रमुख ई दोनों जना के अविश्वास प्रस्ताव लगा दिहल गई रहे। आ उ अविश्वास प्रस्ताव पर आज फैसला आवे के रहल। आज सिवान के जे पूरा चुनाव के जरा के निर्वाचन पदाधिकारी बनाल गए रहल सिवान के DCLR साहब और मैरवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो ई दोनों लोग के सामने यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भइल। और सिवान के जौन DCLR साहब बानी, जौन की पर्यवेक्षक रहनी है, वहाँ के ई बात बतौनी है कि मैरवा के कुल कहानी ये बा कि यहाँ 12 BDC सदस्य बाड़े। आ 12 BDC सदस्य में 7 BDC सदस्य जब एक साथे हो अगर हो जाइए तब ओकरा पास ही जौन प्रमुख और उप्रमुख के जौन सीट बा उ खतरा में पड़ जाए। लेकिन यहाँ कहानी ई भइल हो कि 7 BDC में मात्र 5 BDC यहाँ पर पहुँच पैल हन। आ जौना के नतीजा ई भइल कि मैरवा के जौन पूर्व ब्लॉक प्रमुख माने कहल जाओ तो वर्तमान जौन के 2 साल से बानी श्री वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, वहाँ के पुनः ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर दोबारा निर्विरोध एक तरह से कहीं तो बहनी है। और ओकरा बाद से चंदा देवी जौन की उप प्रमुख रही है वो फिर से प्रमुख हो गई है। अब ये पूरा के चुनाव के प्रक्रिया पूरा हो गई बा। आ हमारा साथे कुछ ही समय में जौन मैरवा के वर्तमान एक तरह से प्रमुख कहीं श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी जुड़े। आ वहाँ से जानल जाए कि आखिर पूरा चुनाव में का गणित भैल का भैल के सफलता मिल गई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आज मैरवा में अविश्वास प्रस्ताव लगा था, तो ये आज प्रक्रिया होना था, क्या हुआ सर? जी, आज सुबह 11:30 से 2:30 का टाइम था, तो कुल 5 लोग जो है टर्नआउट हुए, कुल 12 जो है पंचायत समिति सदस्य हैं। प्रमुख उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगा था, तो जो कि 7 टोटल संख्या होना चाहिए था, जो टर्नआउट नहीं हुआ उसके चलते एक तरीके से खारिज हो गया है। तो जो प्रमुख और उप्रमुख थे तो यथा स्थिति जिस तरीके से थे वो बरकरार रहेंगे। कितने अविश्वास प्रस्ताव लगा तो कितने लोग पहुंच पाए थे यहाँ? आज 5 लोग थे, कुल उप प्रमुख थी उपस्थित और साथ में 4 और पंचायत समिति सदस्य थे, कुल 5 लोग थे। प्रमुख और उप प्रमुख पर जो अविश्वास प्रस्ताव था उस पर चुनाव होने थे, क्या क्या हुआ? इसमें आज ये 6 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव 30 तारीख को लगाया गया था और उसी दिन हम लोग ने 3 तारीख तक सभी को नोटिस जारी कर दिया था कि भाई 11 बजे से प्रखंड कार्यालय मरवा के सभा कक्ष में अविश्वास पे प्रमुख और प्रमुख की चर्चा होगी, जिसमें आज केवल 5 ही लोग उपस्थित हुए उप प्रमुख सहित। और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो हमारे यहाँ कुल सदस्यों की संख्या थी 12, जिसमें 7 होने चाहिए थे मतदान कराने हेतु, लेकिन 5 ही लोग पहुँचे जिसके कारण मतदान की प्रक्रिया नहीं की गई। और सीधे जो हम लोगों ने जो प्रस्ताव इन पर लाया गया वो खारिज हो गया और यथावत प्रमुख उप प्रमुख अपने प्रमुख और उप्रमुख दोनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव लगा। हाँ बिल्कुल, दोनों पे लगा, अलग से दोनों पे चर्चा हुई। और नियम था क्या कि अगर प्रमुख और प्रमुख अगर अनुपस्थित रहता, अगर दोनों पे लगता है अविश्वास, तो सदन के बीच से ही जो सबसे बड़ी या सर्वसम्मति से जो सदस्य है वही बैठक की अध्यक्षता किए। इंग्लिश पंचायत के अनिल कुमार सिंह बैठक की अध्यक्षता किए और उन्होंने अपना विचार रखा, सदस्यों ने भी अपना विचार रखा और अंत में कम उपस्थिति यानी 5-7 होने चाहिए थे, 5 होने के कारण ही इसे मतदान की प्रक्रिया नहीं हुई और हम लोगों ने प्रमुख और उप प्रमुख पर जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा उसको खारिज कर दिया, पारित नहीं हुआ और वे अपने पद पे यथावत बने रहे। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख मैरवा। ब्लॉक प्रमुख रहे हैं मैरवा के, आज आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लगा था उसका आज यहाँ डिसीजन होना था, क्या क्या हुआ पूरा प्रक्रिया? देखिए, मैरवा प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख दोनों पर अविश्वास लगा था, समिति के सदस्यों ने लगाया था, यह उन लोगों के क्षेत्राधिकार में आता है।
लेकिन सूझबूझ का देन है कि ब्लॉक प्रमुख भी वहीं रह गए वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, और उप ब्लॉक प्रमुख जो है चंदा देवी वहीं बरकरार रह गई। अब रही बात यह, सारे समिति के सदस्य जितने हैं वो लोग बड़ी सूझबूझ से विवेक से काम लिए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। DCLR साहब जो कि यहाँ चुनाव के पर्यवेक्षक थे, उनसे बात हुई तो वो बोले कि 7 सदस्यों को यहाँ पहुँचना था तो 5 ही सदस्य यहाँ पर पहुँच गए, तो इसके पीछे क्या मतलब, कितना रणनीति बनाए थे, क्या क्या हुआ था तैयारी आपके? इसमें कोई रणनीति नहीं है, यहाँ पंचायत समिति के सदस्य 12 हैं, सरकार गिराने में 1/3 लगता है, तो 5 लोगों ने मिलकर सरकार को गिरा दिया। लेकिन बहुमत सिद्ध करने के लिए 7 लोगों की जरूरत पड़ती है, 7 लोग नहीं पहुंचे, इसलिए पंचायत समिति के सदस्य मात्र 5 ही पहुंचे, इसलिए प्रमुख भी बरकरार रह गए और उप प्रमुख भी बरकरार रह गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव करने को मौका मिलता है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रमुख हैं आप वीरेंद्र कुशवाहा जी, इन्होंने अपने से ही मतलब इस अविश्वास प्रस्ताव की बात कही थी? नहीं, कालीदास वाला कहानी यहाँ नहीं। देखिए, कोई नहीं चाहता है कि हम जिस कुर्सी पर है उस कुर्सी से हटे, हमारे सदस्यों ने लगाया, कहीं मेरा उस पर देख लीजिएगा सिग्नेचर नहीं है, न कहीं कुछ है, सदस्यों ने लगाया, सदस्यों ने के प्रेम और मोहब्बत हमको फिर कुर्सी पर बैठा दिया। 2 साल आप रहे हैं प्रमुख और आगे भी निरंतर 3 साल रहेंगे, तो क्या कहेंगे मैरवा की जनता को इस खुशी के मौके पर? देखिए, इस खुशी के मौके पर मैरवा के जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मैरवा में जितने पंचायत समिति के सदस्य हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो बड़ी सूझबूझ से काम लिया। आज बहुत लोग ब्लॉक गेट पर खड़े थे, हमने देखा कि किसी को कुछ खेमा था तो किसी को कोई खेमा था, लेकिन पुनः सारे लोग रह गए तो लगा कि कोई खेमा नहीं था।